हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां boltikahani.com पर, और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। हरिशंकर परसाई की रचना चिरव महाराज। खूब स्थूल मगर कसा शरीर, थुलथुला नहीं निपट काला रंग, लंबी झर्राटेदार मूछें, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें, मोटे होंठ, बड़ी मोटी नाक, कुल मिलाकर बहुत तपंग मगर डरावने नहीं। ऐसा नहीं कि बिना मेकअप के रामलीला में कुंभकर्ण की भूमिका कर लें। इतना बड़ा डील डॉल और कहलाते थे चिरऊ महाराज। बचपन में ही इतने स्थूल थे कि मजाक में उन्हें चिड़वा कहने लगे थे। ब्राह्मण थे तो आगे महाराज लग गया। कुर्ता धोती पहने, कंधे पर गमछा डाले ये आदमी दूध के 5 बड़े बड़े कनस्तर लिए मोटर स्टैंड पर इमली के झाड़ के नीचे खड़ा रहता था। लगभग 30 किलोमीटर दूर अपने गांव से ये आदमी दूध के कनस्तर लेकर आता था। दोपहर तक दूध खत्म हो जाता। उसके ग्राहक बंधे हुए थे, कुछ होटल बंधे हुए थे, कुछ परिवारों को दूध बंधा था, कुछ फुटकर ग्राहक ले जाते थे। साख इस आदमी की इतनी थी कि उसके दूध में एक बूंद भी मिलावट नहीं होती। न गैर वाजिब दाम लेता कि दूध खरीदने वालों की भीड़ लग जाती। इस आदमी को किसी होटल या घर दूध देने नहीं जाना पड़ता था, एक ही जगह रखे रखे बिक जाता था। ये क्रम 15 साल तक तो मैंने रोज देखा है पाटन में, जहां वो दूध इकट्ठा करते नापते नहीं थे। पूछते कितना है, वो कहता 5 लीटर। वो पैसे दे देते और दूध डलवा लेते। न किसी से झगड़ा, न विवाद, न झंझट। ये आदमी बोलता बहुत कम था। बीच में रूप राम के पान के ठेले पर जाकर बैठ जाता और पान तंबाकू खाता, कुछ देर बतियाता। सिर्फ रूप राम से ही उसकी निजी घरू बातें होती थीं। मैं जब रूप राम के ठेले पर होता तो ये आदमी एकमात्र सीट पर नहीं बैठता। कहता, पंडित जी आप बैठिए, मैं इधर नीचे चबूतरे पर बैठ जाता हूँ। मैं कहता, नहीं चिरव महाराज आप बैठिए, आप मुझसे बड़े हैं। चिरव महाराज कहते, पंडित जी उम्र में बड़ा हूं पर ज्ञान में आप बहुत बड़े, हम तो ठहरे गवार आदमी। वे बैठते, कहते, पंडित जी जमाना बहुत खराब आ गया है, ये है कलयुग, बेटे ही बाप की नहीं मानते, ईमानदारी रही नहीं। मैं दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाता तो लोग कहते हैं चिरव महाराज बेवकूफ आदमी है, मेरे लड़के तक मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैं कहता हूं हम तो बेटा निभाएंगे, हम गोस्वामी की रामायण जी पढ़े हैं, हमारे मरने पर जब तुम मालिक हो तब जो चाहो करना, हमारी दाल रोटी चल रही है, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सुदामा ने घरवाली से कहा था, औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। चिरऊ महाराज के रोब दाब दबंगपन, ईमानदारी, साफ गोई की इतनी प्रतिष्ठा और आतंक कि कोई उनसे गलत बहस नहीं करता। कोई करता तो वे कहते, भैया तुम्हारी ऊट पटांग बात सुनने के लिए ये करम फूटा चिरऊ ही बचा है, दूसरे लोग हैं जाओ उनको सुनाओ। चिरऊ महाराज 5 बड़े कनस्तर दूध लाते थे और एक छोटा, पर बेचते सिर्फ 5 कनस्तर थे। छठे छोटे कनस्तर का दूध गरीब बच्चों को पिलाते थे। उन्हें देखते ही आसपास के बच्चे दौड़कर चले आते, चलो चलो चिरव महाराज आ गए, दूध पिएंगे। बच्चे आते जाते और चिरव महाराज छोटे गिलास से उन्हें दूध पिलाते जाते। कहते थे, यही हमारा थोड़ा बहुत पुण्य है, नहीं तो का धरा है जिंदगी में। 5 कनस्तर खाली हो जाते और कोई ग्राहक आकर कहता, इस कनस्तर में तो दूध है, ये दे दीजिए। वो कहते, भैया ये बेचने का नहीं है, बच्चों को मुफ्त पिलाने के लिए है, क्यों गरीब बच्चों के मुंह का दूध छीनते हो भाई। चिरऊ महाराज घर से नाश्ता करके दूध पी के आते थे। दोपहर को मद्रासी होटल में जाते, साथ में एक दो आदमी और होते, वहां न डोसा खाते न इडली। मांग देखकर मद्रास होटल के मालिक त्यागराज आलू बंडा भी बनाने लगे थे। चिरऊ महाराज एक प्लेट भरकर सांभर रखवाते टेबल पर और आलू बंडों का ढेर, सांभर के साथ 5 आलू बंडे, ये उनका लंच था। मोटर स्टैंड पर होटल भी थे जहां सब्जी रोटी दाल खा सकते थे, पर वे आलू बंडे का ही लंच करते। खाकर पेट पर हाथ फेरते, पान तंबाकू खाते और होटल की एक बेंच पर सो जाते।
शाम होने पर उठते और खाली कनस्तर बस में रखकर गांव लौट जाते। परोपकारी आदमी थे, जो काफी दूध रोज गरीब बच्चों को मुफ्त पिलाए उसकी संवेदनशीलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो वैद्य भी थे, इलाज मुफ्त करते, कुछ दवाइयां खुद बनाते थे और कुछ दुकानों से खरीदते थे। वे छोटे रोग ठीक कर लेते थे। अपने गांव या आसपास के गांव में किसी के बीमार होने की खबर मिलती तो चिरऊ महाराज दवाइयों का बक्सा लेकर पहुंच जाते थे। धोखा नहीं देते थे। कुछ अनाड़ी तो ये भी दावा करते हैं कि कैंसर ठीक कर दूंगा, मगर चिरऊ महाराज मरीज की हालत देखते, ज्यादा बीमार होता तो कह देते ये रोग अपने बस का नहीं है, दवा हम दे देते हैं पर इसे मेडिकल कॉलेज ले जाओ। चिरऊ महाराज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनुभवी बहुत थे। वे रामचरितमानस का रोज पाठ करते, राम भक्त थे। वे मानते थे कि कभी रामराज था जिसमें कोई दीन दुखी और रोगी नहीं था। वे मानते थे कि रामराज फिर आ सकता है अगर हम पाप करना छोड़ दें। सबसे बड़ा पाप है देश में गोहत्या होना। गोहत्या बंद हो जाए तो रामराज आ सकता है। रामचरितमानस के प्रति प्रेम, राम के प्रति भक्ति और गौ माता के प्रति श्रद्धा उन्हें स्वामी करपात्री के संगठन रामराज परिषद में ले गई। वैसे चिरऊ महाराज न राजनीति समझते थे न राजनीति का काम करते थे। वे सांप्रदायिक बिल्कुल नहीं थे, मानवतावादी थे। पर जब रामराज परिषद में शामिल हो गए तो उसकी राजनीति भी करने लगे। आम चुनाव आए, स्वामी करपात्री ने उन्हें आदेश दिया कि वे फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ें। सारे मोटर स्टैंड में इसकी चर्चा होती रही। लोगों ने समझाया कि आप नेहरू के खिलाफ मत लड़ो, फिर वहां डॉक्टर लोहिया लड़ रहे हैं, आप फजीहत में मत पड़ो। पर चिरऊ महाराज ने कहा, लड़ना तो पड़ेगा, स्वामी जी का आदेश जो है। मैंने पूछा, स्वामी जी ने कितने रुपए दिए हैं? उन्होंने बताया 1000 रुपए। मैंने कहा, लोकसभा का चुनाव और 1000 रुपए, इतने में तो पोस्टर भी नहीं बनेंगे। चिरऊ महाराज ने कहा, कुछ पास के भी लग जाएंगे पर लड़ूंगा जरूर, मामूली आदमी के खिलाफ चुनाव क्या लड़ना, नेहरू के खिलाफ लड़ेंगे तो दुनिया में नाम होगा। और हार जीत का ऐसा है कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ, सियावर रामचंद्र की जय। चिरऊ महाराज बदल गए, लगभग मौन रहने वाले बहुत बोलने लगे। रामचरितमानस उन्हें याद था ही, बात बात में वे मानस के उद्धरण देते। वे पूरे नेता हो गए, कपड़े नए और साफ पहनने लगे, मगर दूध के पीपे रोज की तरह लाते। वे उम्मीदवारी का फॉर्म भरने इलाहाबाद गए, साथ में मोटर स्टैंड के 2 लोग गए। स्टेशन पर उन्हें मालाएं पहनाई गईं, बहुत लोग उन्हें पहुंचाने आए थे। चिरऊ महाराज की जय बोली गई, वे गदगद हो गए, बोले, भैया हम तो धर्म की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, भगवान राम का आदेश है और हम हैं हनुमान, जो राउर अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, राम का प्रताप ऐसा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विधि नाना। इलाहाबाद का हाल साथ गए लोगों ने बताया। इलाहाबाद में बड़ी चर्चा थी कि ये कौन चिरऊ महाराज हैं जो जवाहरलाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नाम था उनका राम नारायण उर्मलिया, पर वे चिरऊ महाराज के नाम से ही जाने जाते थे। पोस्टरों में भी नाम के आगे चिरऊ महाराज छपा था। फॉर्म भर के निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया, तरह तरह के सवाल करने लगे। विदेशी पत्रकार भी बहुत थे। इन्होंने कहा, हमें अंग्रेजी नहीं आती, जो बात करनी है हिंदी में करो, बात यह है कि हमें जवाहरलाल से कोई शिकायत नहीं, वे गौहत्या बंद करवा दें तो हम बैठ जाएंगे। अब चिरऊ महाराज का अंग्रेजी व विदेशी पत्रकारों ने अर्थ निकाला कि ये चिरऊ नाम के देशी राज्य के महाराज हैं, गोंड वंश के मालूम होते हैं, रानी दुर्गावती के वंश में आते होंगे। अंग्रेजी अखबारों ने प्रचार किया, प्रिंस ऑफ चिरऊ स्टेट कंटेस्ट्स अगेन, प्रिंस ऑफ चिरऊ स्टेट कंटेस्ट्स अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू डिमांड्स बैन ऑन काउ स्लॉटर। इनकी देखा देखी हमारे क्षेत्र के बाहर के अखबारों ने भी लिखा, चिरऊ राज्य के महाराज पंडित नेहरू के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग मजा ले रहे थे कि हमारे चिरऊ महाराज दुनिया में प्रिंस ऑफ चिरऊ स्टेट के नाम से विख्यात हो गए। लोहिया को उनके बारे में सब कुछ मालूम हो गया था। लोहिया ने पूछा, जवाहरलाल से आपको क्या शिकायत है? महाराज ने जवाब दिया, हमें एक ही शिकायत है कि उनके राज में गोहत्या होती है, वे गोहत्या बंद करवा दें तो हम नहीं लड़ेंगे, आपसे कहेंगे कि आप भी बैठ जाओ। एक बात है लोहिया जी, अगर आप बैठ जाओ तो हम जवाहरलाल को हरा देंगे।
लोहिया ने ठहाका लगाया, महाराज दूध पियो दूध। कुछ लोगों ने समझा कि ये बौड़म किस्म का आदमी है, इससे नेहरू का चरित्र हनन कराया जा सकता है। एक सांप्रदायिक दल के लोग आए, उनके नेता ने कहा, आप तो महाराज राम भक्त हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रतधारी थे, राजा को ऐसा ही होना चाहिए। एक ये राजा है जवाहरलाल जो चरित्रहीन है, आप इसका पर्दाफाश करो, आप ही इतनी हिम्मत कर सकते हो, पोस्टर हम छपवा देंगे, आप लिख कर दे दो। चिरो महाराज समझ गए, उस नेता से कहा, भैया क्या तुम्हारी औरत भी जवाहरलाल से फंसी है? वो बोले, क्या बकते हैं? महाराज ने कहा, बकता नहीं हूं, कहता हूं। तुम क्या मुझे बौड़म समझते हो? समरथ को नहीं दोष गुजाई, ये तुलसीदास ने कहा है, नेहरू समर्थ हैं और तुम? चिरऊ महाराज ने रामचरितमानस का पाठ करके ही चुनाव प्रचार किया। वे जमकर बैठ गए और जगह जगह रामचरितमानस का पाठ करके प्रचार करते। डील डॉल और व्यक्तित्व के कारण और प्रिंस चिरऊ स्टेट होने के कारण लोग इकट्ठे भी होते, पर कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। एक श्रृंगवीरपुर है गंगा के किनारे, उस जगह केवटों की बहुत आबादी है। चिरऊ महाराज वहीं राम के सरयू पार करने के केवट प्रसंग का पाठ करते रहे। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहें सब कही, मानस करनी भूर कछु आही, चुवत सिला भई नारी सुहाई, पहान तेना काठ कठिनाई, तरनी ही मुनि घरनी हुई जाई, बाट परे मुर नाव उड़ाई, एहे प्रतिपालों सब परिवारों, नहीं जानो कछु अजर कबारो, जो प्रभु पार अवस कर चहू, मोहि पद पदम पखारन कहू, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहस करना एना चितऊ, जानकी लखन तन बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चिरऊ महाराज को केवटों के काफी मत मिल गए, कुल 10,001 मत उन्हें मिले। हार कर लौटे तो फिर वही जिंदगी, धोती कुर्ता पहने डब्बों से सवेरे से दूध बेच रहे हैं। बहुत दिनों तक बाहर के लोग इस प्रिंस ऑफ चिरऊ स्टेट को देखने आते रहे, जो मोटर स्टैंड पर दिन भर खड़े खड़े दूध बेचते थे। कुछ साल पहले चिरऊ महाराज की मृत्यु हो गई, किसी ने जाना नहीं कि उन्हें कोई बीमारी है, कोई हल्ला नहीं हुआ, किसी को खास कष्ट नहीं दिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस धर दीन ही चदरिया। ये थी हरिशंकर परसाई की रचना चिरऊ महाराज। हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां boltikahani.com पर, और एक एडल्ट सेक्शन भी है, आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का।